Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. सुबह के 3 बजे तक बारिश हो रही थी और हमने प्लान किया था कि जल्दी निकलेंगे 8 बजे तक। तो मैंने बोला था कि सुबह चाय ले आना, बट चाय लेट हो गई और फिर निकलते हम काफ़ी लेट हो गए। करीबन 9 बजे हमने स्टार्ट किया। रोड स्लिपरी थी तो काफ़ी लोगों को मनूवर करने में, ऊपर 800 मीटर तक ऊपर जाना था तो मनूवर करने में थोड़ी सी दिक्कत आई लोगों को, बट एवरीबडी मेड इट। और ठंड भी थी, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। ये ऊपर जाने का रास्ता चालू करना भूल गया था मैं। नाइस ऑफ रोडिंग। और टाइम चेक, 9:09। ये मेरे आगे सौम्या जा रहा है, उसके आगे चरी है, आयुष पहुंच गया ऊपर। रोड तो है बहुत ख़राब, बट इतना अच्छा पत्थर पत्थर है, स्लश नहीं है ज़्यादा। और करीबन 800 मीटर का है ये, बेसिकली इट्स अ प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी, और इतना पैसा कौन खर्च करेगा रोड बनाने के लिए जब उनका काम हो जा रहा है। और यहाँ से राइट जाना है। तो पहुँच गए। ओके सो हियर वी आर। दस बज गए हैं, नारकंडा से निकल चुके हैं हम लोग और बारिश हो रही है सुबह से। फोरकास्ट है कि करचम तक हमें पूरा ही बारिश मिलने वाला है और काफ़ी हेवी बारिश होगी। तो अब लेट्स सी कि कैसा रहता है। बीच में क्या है, रुक के हम लोग डिसाइड किया कि कुछ थोड़े से लैटेक्स के ग्लव्स खरीद लेते हैं हार्डवेयर शॉप से। तो मैं चेरी और आयु जाके खरीद के लेके आए उसको। उसके बाद रुपेश को दिखाया था, रुपेश कहता नहीं मैं भी लेके आ जाता हूँ, तो फिर वो गया लेने, वापस आया, फिर मैं कहते यार मेले भी ले आ, तो अभी वो फिर गए लेने के लिए। तो दैट्स इट। बढ़िया रोड है, सरफेस अच्छी है, मौसम सुहाना है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और क्या चाहिए। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे शाक्या बेक हाउस है, यहाँ पे अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट इन द सेंस चाय पिया है। ब्यूटीफुल, ये देखो। नेक्स्ट हॉल करेंगे रामपुर। यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर है, सो विल टेक अ ब्रेक देयर। चलो चलते हैं, बढ़िया चाय होगी। चलते हैं। वाह क्या व्यू है। ये जाकरी है, यहाँ पे एक डैम है आगे जाके 30-35 किलोमीटर्स। और यहाँ पे सोच रहे हैं कि कहीं पे कुछ खाया जाए।
वो क्लाउड देखो कितने बढ़िया हैं। तो यहाँ हम अभी ब्रेकफास्ट करें लंच करेंगे, हाय का नाम नेगी जी ढाबा। सर आ गए, अभी रखते हैं। यहाँ पे हमने लंच किया, जाकरी करके जगह है वहाँ पे। वो जो सामने दिख रहा है वो लैंडस्लाइड एरिया हुआ है और वहाँ से हो जाएगा ट्रैफिक जाम। बारिश हो रही है उधर किन्नौर गेट के पास, हमें रोक लिया था कि वही एंट्री बना के जानी है, आपके राइडर्स आगे निकल गए। तो मैंने बोला भाई ठीक है मैं ही कर देता हूँ, कहते ग्रुप लीडर कौन, बोला मैं ही हूँ ग्रुप लीडर। तो मैं एंट्री बना दी, हम निकल पड़े। ओके, ये जो वाटरफॉल गया इस यहाँ पे मैं रुक गया था, मैं और सुधांशु रुक गए थे और उसके बाद देन वी स्टार्टेड। मीनवाइल जो हमारे बाकी राइडर्स थे वो ऑलरेडी जो लैंडस्लाइड एरिया वहाँ तक पहुँच चुके थे एंड देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, सो वी स्टेड बैक। और इंटरकॉम तो चल रहा था तो सडनली हर्ड आयुष कॉलिंग आउट फॉर हेल्प बिकॉज कह रहा था मैं गिर गया हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स। तो एनी वे वी कुडंट गो, तो गाड़ी पाड़ी पार्क करके जब तक हम पहुँचते वहाँ पे तब तक आई सॉ हिम यू नो क्रॉसिंग। तो ठीक है, केम बैक टू माय बाइक एंड देन क्रॉस द लैंडस्लाइड एरिया व्हिच अबाउट 200 meters 250 meters। पूरा स्लशी था एंड बिलीव यू मी द हिमालयन बिहेव परफेक्टली, मतलब दिल आ गया हिमालयन पे, हिमालयन 450 पे मज़ा आ गया। इतने अच्छे से मुनवर करके बाहर निकाला उसने उस लश्कर से कि पूछो मत, आई एम इन लव विद माय हेमी। इसमें मेरा एक बहुत नसीब कह लो या जो भी कह लो काफ़ी अच्छा था। अगर आपको याद होगा पुराने एपिसोड में या पहले वाले एपिसोड में आपने देखा होगा मैंने कहा था कि मेरे जो इंस्टा 360 के जो वीडियोस थे, जो SD कार्ड था वो गुम हो गया था। तो लकीली ये वाला जो स्लश वाला वीडियो है वो किसी को बताना था, किसी को दिखाना था, तो उसको मैंने फ़ोन पे डाउनलोड कर लिया था तो वो है। और खुशनसीबी भी है मेरी कि मैं वो आपको दिखा पा रहा हूँ। तो आप वो देखिए वीडियो और फिर आगे बढ़ते हैं।
तू गिरा क्या? लगे क्या? मेरे पीछे टाटू गिरे और संगल गए। अच्छा लगे तो नहीं किसके पास था? मतलब ये लोग बहुत पास होते, मेरी गलती हुई। हाँ तो बच्चे सब मारेंगे। वो सामने देखो क्या प्यारा वाटरफॉल है। कोई बात नहीं, हो जाएगा सब, चिंता मत कर, डोंट वरी, विल डू समथिंग। पानी में ना लेंस में साला पूरा पानी आ जाता है। बंद कर देता हूँ। पैर ऊपर, आयुष पैर ऊपर, दोनों दोनों। नहीं 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 गिरेगा, नहीं। जब तू पैर एक नीचे रखता है ना तो इम्बैलेंस होता है, पैर का वेट उस तरफ जाता है। हो गया, चलो। दिस इज कॉल्ड बेली ब्रिज। सावधान, इस 190 फुट स्पैन के डीआर वैली पुल को भार क्षमता 28 मेट्रिक टन है। ओए भाई मेरी बंद क्यों हो गई? लहरा दो लहरा दो, करचम में परचम लहरा दो। तो ये बेसिकली करचम हम 4:15 पहुंच गए थे और रोड एक्सेप्ट फॉर दोज यू नो बैड पैचेस, बाकी ओवरऑल रोड अच्छा ही था। मैंने वाज गुड। आयुष को थोड़ा वो पहला फॉल था उसका, तो थोड़ा जिटरी हो गया था, बट देन इस ही हो के अंदर ना, सो नॉट एन इश्यू। तो हम करीबन 4:15 पहुंच गए थे करचम। बारिश तो थ्रो चली रही थी ऑन एंड ऑफ। हमारा गियर पूरा कवर्ड था, मतलब लगेज सिस्टम पूरा कवर्ड था, फिर भी बिकॉज ऑफ स्लश, बिकॉज ऑफ दी यू नो मक्स थ्रोन अप बाय द व्हील्स, काफ़ी गंदा हो गया था। और जो हमारा ग्रुप था 8 जना का, तो हमें अकोमोडेशन एक जगह नहीं मिली थी, दो जगह मिली थी। तो 4 स्टेड एट वन प्लेस एंड 4 अपर स्टेड एट अनदर प्लेस विच वॉज अबाउट 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अहेड। तो मैं, रुपेश, आयुष और चेरी रुक गए थे पहले वाले इसमें। काफ़ी अच्छा रूम था, तो हमने वहाँ जाते सबसे पहले बोला भाई हीटर ला के दे। और जितना भी हमारा सामान था, मतलब ऊपर के जो रेन कवर्स वगैरह थे उसको तो सारा वॉश करने के लिए वो बाहर बारिश में रख दिया, उसको बोला भाई वॉश भी कर दे इसको। और अंदर फिर हीटर लगाया, पंखा लगाया एंड क्लॉथ स्टैंड लगाए, उसके पास सब डाला और फिर उसको सूखने डाल दिया। और फिर कुछ करना तो था नहीं, बारिश चली रही थी, सो वी जस्ट रोल अराउंड। पीछे बढ़िया सी नदी जल रही थी एंड एंजॉयड द सीनरी देयर। फिर रात को फिर थोड़ा सी हम चारों ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी की, खाना वाना खाया और सो गए। तो रूम तो काफ़ी अच्छा था, देखो रूम कैसा है मेरा। दिस इज़ अ गेस्ट रूम करचम में, नाम है पसपा। बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं।
और देखो वो भी बहुत अच्छा फ्लावर है वहाँ पे। ये कॉरिडोर है यहाँ पे हमारा सारा, जूते शूते गीले हुए हैं, रेनकोट सारे, शू कवर वो रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है बेसिकली, जूते चेंज वगैरह करने का एरिया है विथ शू पॉलिश। अंदर आते ही सिटिंग एरिया है विथ डाइनिंग टेबल एंड छोटू सा बार विथ अ फ्रिज, टी मेकिंग। और यहाँ पे हमने देखो क्या कर रखा है, ये पूरा हमारा जो गीला आइटम था, बहुत गीले हुए आज तो पूरा सुखाने के लिए हीटर लगा दिया है। और फिर ये बेडरूम है, यहाँ पे भी एक हीटर लगा के ये सारा सामान हमने सूखने के लिए डाला, कभी तो फैन ऑन। और अभी हम दिखाता हूँ हमारे रूम के व्यू, ये देखिए वाह, दिस इज कॉल्ड द रूम। ये नदी बह रही है यहाँ पे, उसके बाद देन यू हैव अ क्लोजेट चेंजिंग रूम, वॉक इन क्लोजेट चेंजिंग रूम टाइप ऑफ थिंग। और ये है बाथरूम, गीजर ऑन कर दिया है और बढ़िया है। चलो, अरे ओ।